हेलो ब्यूटीफुल पीपल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये वीडियो हिंदी में है जस्ट फॉर ऑल द पीपल हु कीप टेलिंग मी दीदी हिंदी में वीडियो बनाओ, दीदी हिंदी में वीडियो बनाओ। और मैं हिंदी में वीडियो इसलिए नहीं बनाती हूँ क्योंकि मैं झारखंड से हूँ, पर मैं रही 5 साल दिल्ली में हूँ, तो मेरी जो एक्सेंट है वो इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है दैट इट इज़ रियली इरिटेटिंग फॉर मी एंड आई डोंट नो इफ यू पीपल लाइक इट, बट आई एम रियली इनसिक्योर अबाउट इट। सो इसलिए मैं हिंदी में वीडियोस नहीं बना रही थी, बट ये वीडियो हिंदी में है। एंड चीयर्स, 1 महीना हो चुका है मुझे साउथ कोरिया आए हुए, बट 1 महीने में से 15 दिन मैं क्वारंटीन में थी और 15 दिन मैं अब बाहर हूँ। स्टिल पहले मैं बात करती हूँ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो ओवरऑल इट इज़ अ नाइस एक्सपीरियंस। मैं घर से दूर रही थी पहले भी तो मुझे उतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। शुरू में मुझे खाने की प्रॉब्लम हुई थी क्वारंटीन से निकलने के बाद, क्वारंटीन का खाना वॉज अमेजिंग, बट क्वारंटीन से निकलने के बाद प्रॉब्लम हुई थी, बट नाउ आई एम गेटिंग अ बिट बेटर इन एडजस्टिंग। जब आपका दिमाग ऐसे मेड अप होता है कि आपको ये करना ही है चाहे जो भी हो जाए, तो यू गेट बेटर विद टाइम। हाँ, अप्स एंड डाउन्स आर ऑलवेज देयर, बट वो हो जाएगा। बट समटाइम्स लाइक इवन आफ्टर ऑल दैट डिटर्मिनेशन एंड ऑल दैट पॉजिटिविटी, समटाइम्स क्योंकि यहाँ पे चीज़ें इतनी ज़्यादा अलग है, लैंग्वेज अलग है, कल्चर अलग है, और मतलब हर चीज़ ही कुछ ज़्यादा ही अलग है फ्रॉम इंडिया। सो कभी कभार इट्स लाइक ओ माई गॉड आई एम सो फार अवे फ्रॉम होम, ऐसी फीलिंग आएगी और फिर आपको थोड़ा बुरा लगेगा, बट यू विल गेट ओवर इट बिकॉज यू विल हैव नो टाइम हियर। ऑनेस्टली आई डोंट हैव टाइम। तो लेट मी जस्ट टेल यू ये वीडियो किस चीज़ के बारे में। दिस वीडियो इज ऑल अबाउट द मनी। आई हैव गॉट सो मैनी क्वेश्चंस अबाउट स्कॉलरशिप एंड स्कॉलरशिप, कितने पैसे लगते हैं, कितने पैसे लगते हैं। तो आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस, मुझे कितने पैसे लगे, और अभी 1 महीना होने वाला है मुझे कोरिया आए हुए एंड आई हैव नॉट गॉट माई स्टाइपेंड जो मुझे स्कॉलरशिप से मिलनी चाहिए, वो मुझे अभी तक नहीं मिली है। तो मैं अपने खर्चे स्टार्ट करती हूँ शुरू से। मैं यहाँ आई हूँ PhD के लिए, PhD इन फिजिक्स। तो मेरी सबसे पहली जो स्टार्ट होती है स्कॉलरशिप एप्लीकेशन के लिस्ट में, उसमें जो पहली एक्सपेंडिचर थी वो थी TOEFL, बिकॉज आई गेव TOEFL। तो TOEFL में 15,000 रुपीज लगे थे, आई थिंक IELTS में भी इतने ही लगते हैं, 1,000 का डिफरेंस है, आई डोंट नो। तो आई गेव TOEFL, सो TOEFL में 15,000 रुपए लगे। देन उसके बाद फिर पर्सनल स्टेटमेंट वगैरह तो हो गया, उसके बाद फिर मेरे पैसे लगे। एप्लीकेशन इज ऑल्सो फ्री, तो एप्लीकेशन में तो पैसे लगे नहीं। उसके बाद मेरे पैसे लगे डॉक्यूमेंट्स अपोस्टाइल कराने में। नाउ मैं यहाँ आई हूँ PhD के लिए, तो मुझे 4 डॉक्यूमेंट्स अपोस्टाइल कराने थे, बैचलर्स के सर्टिफिकेट और मार्कशीट एंड मास्टर्स के सर्टिफिकेट और मार्कशीट। तो 4 डॉक्यूमेंट्स अपोस्टाइल कराने के आई थिंक 3,000 पर डॉक्यूमेंट लगे थे, सो इट वॉज लाइक 12,000 रुपीज डिस्काउंट कराने के बाद। एंड बट आई हैड टू, एक्चुअली हुआ ये कि मुझे फोटोकॉपीज पे पोस्टाइल करानी थी, बट जिनसे मेरी बात हुई पता नहीं उनके दिमाग में क्या था, उन्होंने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को पोस्टाइल कर दिया, सो आई हैड टू गेट फोटोकॉपीज अपोस्टाइल अगेन। तो फिर मेरे अराउंड 24,000 लगे फोटोकॉपीज प्लस ओरिजिनल अपोस्टाइल कराने में। एंड टू द पीपल हु आर आस्किंग कि अपोस्टाइल कराना या नोटराइज, एक्चुअली नोटराइज से काम चल जाता है, बट दैट इज ओनली फॉर अ फ्यू यूनिवर्सिटीज। सो हमसे मत पूछो, आप जाकर अपने यूनिवर्सिटी को मेल करो जिस भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाहते हो, आस्क देम कि नोटराइज डॉक्यूमेंट्स चलेंगे या नहीं। इवन इफ दे से कि नोटराइज डॉक्यूमेंट चलेंगे, आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को अपोस्टाइल कराना ही होगा, देर इज नो अदर वे अराउंड, क्योंकि नीड आस फॉर द डॉक्यूमेंट एंड you need to get your documents apostilled. That is what I would suggest. So 15,000 plus 24,000, and I tried to get my transcripts from University of Delhi, so it was around 2,000 rupees for the transcripts. Also, if people don't have their passport, the passport takes 2,000 rupees. So yeah, so 26,000 plus 15,000, 41,000 till here, and then I had to send all the documents by post since I applied via university track. तो सारे documents भेजने में मुझे 5,000 लगे थे,
क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा स्टूपिड हूँ, तो मैंने बर्थ सर्टिफिकेट पहली बार में नहीं भेजा. इट वॉज उस टाइम डिस्काउंट चल रहा था, सो इट वॉज अराउंड 1900 एक बार भेजने का. आई सेंट माई डॉक्यूमेंट्स वाया ब्लू डार्ट. DHL से भेजने पे वो टाइम आई थिंक एक वीक में पहुंचा देते हैं, और पैसे भी 1900 लिए थे, बट ऐसे जनरली आई थिंक इट इज 4900. तो उसमें मुझे लग गए 4000. सो उसके बाद फिर आपको वीजा के लिए जाना होगा. इवन दो ये लोग कहते हैं कि वीजा फ्री है, बट देर इज सम वीजा प्रोसेसिंग चार्ज देर इज. और वीजा बनवाते टाइम वो आपके पासपोर्ट रख लेते हैं अपने पास, तो दे सेंड द पासपोर्ट अलॉन्ग विथ योर वीजा लेटर ऑन, तो उसके भी वो पोस्टल चार्जेस लेते हैं, विच इज अराउंड 1300-1400 इफ यू डोंट लिव इन दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई. तो आपको जाना होगा इन चारों स्टेट में से किसी स्टेट में अपने वीजा प्रोसेस के लिए. वो स्टेट आपको एम्बेसी के साइट पे दिख जाएगा कि आपके स्टेट को कौन से एम्बेसी में जाना है फॉर योर वीजा. तो वहां जाने के लिए भी यू नीड मनी. आई थिंक आई टुक अराउंड 10-15,000 जस्ट फॉर ट्रैवलिंग एंड देन ऑल द शॉपिंग एंड स्टफ. एंड इफ यू डोंट लिव इन दिल्ली और चेन्नई और मुंबई, तो आपकी डोमेस्टिक की फ्लाइट भी आपको खुद से करनी होगी. नीड डज नॉट पे फॉर डोमेस्टिक फ्लाइट, वो बस इंटरनेशनल फ्लाइट के पैसे देता है. और हमारे साथ तो ऐसी सिचुएशन थी कि हमें दो दिन पहले बोला गया था कि आप इतने दिन इस डेट की फ्लाइट करो, सो वी कुड नॉट इवन बुक द फ्लाइट, द डोमेस्टिक फ्लाइट अर्लियर. सो इट वॉज रियली प्राइसी. माइन वॉज अराउंड 6000. तो या ये तो बेसिक कॉस्ट है. एंड देन यू विल डू शॉपिंग. यू हैव टू ब्रिंग लाइक अराउंड 40,000 रुपीज हियर, बिकॉज 40,000 आपको लाने ही होंगे. आई ब्रॉट 40,000 एंड आई एम रियली नॉट गोइंग एनी वेयर. मैं कहीं पैसे नहीं वेस्ट कर रही हूँ जस्ट बिकॉज आई डोंट हैव माई स्टाइपेंड टिल नाउ, नॉट इवन द सेटलमेंट अलाउंस. आई थिंक आई विल गेट इट बाई 6th of October. आई केम हियर ऑन 1st of September. आई एम गेटिंग माई स्टाइपेंड ऑन 6th of October. सो जस्ट बी प्रिपेयर्ड, ब्रिंग 40,000. इवन दो दे से कि कम पैसों में हो जाएगा, नहीं होता है, आप लेकर आना 40,000 तो आराम से लेकर आना. सो आई फॉरगॉट वॉट एवर आई सेड, सो आई विल जस्ट डू अ टोटल हियर. एंड या मैं अभी कहीं जा नहीं रही हूँ, तो आई एम नॉट मेकिंग अ गुड वीडियो. बट मे बी नेक्स्ट वीक जब पैसे आ जाएंगे तो आई गो फॉर शॉपिंग फॉर विंटर क्लोथ्स, बिकॉज आई डोंट हैव विंटर क्लोथ्स राइट नाउ. बहुत ही मुश्किल है. सो या दैट वॉज इट एंड सी यू लेटर. बाई.